हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे आप सभी? होप सभी गाइज अच्छे होंगे। सो गाइज, कौशिक व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, सुबह के 7:05 हो रहे हैं। नेवी के लिए थोड़ा गर्म पानी किया है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है। अभी मेरे को नेवी को उठाना था, पर मेरा प्यारा बेटा इतना इतना प्यारा है, मैं इसमें क्या बताऊं। ये देखो, ये अपने आप से ही उठ गया। तो अभी इसको रेडी कर देती हूँ स्कूल के लिए। इसको मैं अभी रेडी कर देती हूँ सोने के लिए, क्योंकि इसको सोना है। सॉरी गाइस, नहीं, मैं जब उठती हूँ, मैं चाहे 6 बजे उठूँ, 6:30 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, जितने बजे भी उठूँ, मेरा छोटे वाला बेटा, पता नहीं उसको क्या है, वो मेरे साथ ही उठ जाता है। आपको वेदर दिखा देती हूँ सुबह का, इस तरह का। बेटी नेवी, आप क्यों रोते हो बेटा? आपको कोई कुछ कहता है? सिर्फ ये 1 मिनट रोता है और फिर पूरा दिन वहाँ पे खेलता है। और जब स्कूल से आता है, जब हंसते हुए आता है, तो भाई मैम तो बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है इसको, और हमेशा इसी के पास रहती है। और ये सो गाइज, अभी बजे हैं 8 और अभी मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मतलब चाय जब तक ना पीऊँ जब तक एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी पाने के लिए मुझे चाय पीनी पड़ती है। अब चाय पीते के साथ 1-1.5 घंटा ऐसा काम करूंगी, है ना जी? है ईब कुछ ब्रेकफास्ट करने का। तो भैया, आज हमारे ब्रेकफास्ट में एप्पल है, एप्पल। तो भैया, आज जो मेरा काम रहेगा घर की सफाई का, वो रहेगा सारी चद्दरें चेंज करने का। तो भाई अभी वो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो भाई, इस वाले रूम की मैंने चद्दरें चेंज कर दी है, ये देख लो। तो भी बाहर आंगन में पेड़ के पत्ते इतने हो जाए, बस पूछो मत, बुरा हाल हो जाए। तो सारा घर साफ हो गया है और बाहर तो मैं झाड़ू लगाने लग रही। आज मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है 6 बार केले। तो तू नू बता दे, आज खाना कै बजे खुआ देगी और केक बना के खुआओगी? 11 बजे तो खाना खुआऊंगी। तू यार, कल तुनू को थी, मैं 10 बजे तक खाना खिला दूंगी। 10:30 बजे साढ़े दस बजे नहीं हो पाएगा ना आज? क्यों? आज अंदर जाके देखो क्या साफ सफाई कितनी हुई है। तो यानी कि तू डेली साफ सफाई नहीं करती है? भाई इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करती ना। कोई वो गया है के गिलहरी थी क्यों? ये देख, देखो कर लड़ाई कर रहे हैं। ये चेतना और ममता है, तू और तेरी छोटनी बाण ना। भाई मारी बाणा मेनू आपस में कदे लड़ाई नहीं हुई, मारी बाणा बहुत प्यार। तू बता दे जल्दी से, मैंने भूख लग रही है। 11 बजे खाना मिलेगा क्यों? आज थोड़ी डीप क्लीनिंग हो रही है घर की, समझ गए? लड़ाई कर लांगे। ए ममता, ममता क्यों लड़ाई कर रही है? संतोष आएगी इतनी बार में पकड़ के करियो बोली खा लो लागू को परेशान हो रही है। लकी को तो तू परेशान क्यों हो रही है? अरे मेरा बेटा, मैं क्या करती के मुंह दिखाऊं थे आके? अच्छा, नु कुछ ना होए, बाबा बोला साथ है क्यों भी रियान से बाबू? अरे जी 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 का यार ही कर दे वो मत का चाहिए ए बैंक करते दास जय। सो गाइस, मम्मी जी ने पूजा कर ली और अभी जा रही है मंदिर। और पूजा खाली? अच्छा, जचाओगे? आ आ, क्या कर रहा है? तो आज मम्मी का 11 का व्रत है, एकादशी, 11 का बेरा सबने बोला 11 माता की जय, पुत्रदाई का छी सब आने सब कर लियो आज। आज भाई मेरी माँ थोड़ी सी हो रही है परेशान, पुत्रदाई का छी सब सब कहता है कि कामना करियो, मेरे लाड ला की मैं कामना करके आऊं। सो आज क्यों परेशान हो रही है, नु तो बता दो। आज मेरी 11 माता ने मेरे बेटो बचाया, सो आज बहुत चोट लाग जाती मेरे बेटा में। जितनी भी बीटी देखा तू देख फोन में ओटड बाल का सब जान रहा है। आज मैं थोड़ी सी उगी, मेरे घाटो नहीं लाग रहे, भर रहे हैं बात को। कोई ना, मैं बालक है ना, छोटे हो, जो उनके खेलते खालते के लग गया करे, कोई बड़ी बात को नहीं।
तो भाई बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है भाई, स्पेशली थोड़ा सा सिर्फ 5 साल तक की बात होती है, फिर बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता तो उसको समझ आ जाती है। जरूरी है भाई ध्यान। तो भाई मम्मी का थोड़ी घबराहट हो रही है, इसका चोट फेट लगी को नहीं बच गया, पर फिर भी भाई माँ तो माँ ही होया करे, बच्चा इधर उधर ना जाए। स्पेशली बिजली के भाई बच्चों की एक आदत होती है, सभी बच्चों की आदत होती है बिजली के, मतलब जो स्विच होता है उसमें उंगली डालना और भाई उनको स्विच ऑन ऑफ करना, तो भाई स्पेशली उसका ध्यान रखे। अभी गर्मियां चल रही है, कूलर है सबके, तो कूलर का ध्यान रखे कि भाई करंट वरंट ना हो, बारिश हो रही है बाहर चले जाते हैं बच्चे, तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं आसपास जो अपने आए, तो थोड़ा स्पेशल ध्यान रखो। अभी करनी है खाने पीने की तैयारी, और रियांश ने दूध नहीं पिया है तो रियांश को दूध पिला देती हूँ। सो गाइस टाइम दिखा देती हूँ, 12 बज चुके हैं, खाना मैंने बना दिया था, क्लिप मैं बना नहीं पाई क्योंकि भाई बहुत जल्दी जल्दी में थे। और यहाँ पे देखो रियांश खेल रहा है बाल्टी के साथ, और भाई ये देख लो ये चादर कुछ है और धुलने के लिए डाल दी है ये देखो, और ये कपड़े धो गए हैं, इसको बस निचोड़ना है और सुखाना है। इज हमारे घर पे थर्सडे को कपड़े नहीं धुलते, बहुत आप सभी के घर पे भी नहीं धुलते होंगे पक्का 100%, ये तो है ही। तो जिस दिन थर्सडे वाले दिन कपड़े नहीं धोते और अगले दिन धोते हैं तो डबल ट्रिपल हो जाते हैं, और आज मैंने सारी जितनी भी घर की चादरें थी तो की चादर थी तो आज वो सारी निकाल के धोई हैं, तो वही बात है और ज़्यादा डबल हो गया है, तो मुझे 1 घंटा लगेगा इनमें धोने में। रोटी पानी बना ली है, मैंने नहीं खाई अभी, मैं खाऊँगी। और भाई बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि मैं सुबह जो भी होते हैं ब्रेकफास्ट के या दूध वगैरह के जितने भी बर्तन होते हैं सुबह धो देती हूँ, वो मैं धो नहीं पाई क्योंकि साफ़ सफाई के चक्कर में, तो अभी वो करना है। देखो हंसते हंसते रहो बेटा, तू हंसते हंसते अच्छा लगता है। हाँ हो गया है, 12:30 बजे हैं और मैं अभी लंच का मेरा टाइम हुआ है। गाइस ये देखो आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, थोड़ी सी चटनी है, लस्सी है, रोटी है, ये बहुत जोर से। और अब ये देखो कपड़े मैंने जैसे सुखाए ये देखो उस तरह से मौसम बदल गया, कहीं लोग बदलते हैं कहीं मौसम बदल गया, वाह भाई वाह। तो अभी पापा जी बाहर गए हैं नेवी को लेने क्योंकि उसकी बस का टाइम हो गया आने का, बस के टाइम होते के साथ ये देखो भाई माँ जी कैसे दौड़ी दौड़ी आई, सोवे थी और के? भाई इंतजार से बाबू सो रहे हैं किधर? अच्छा वो तो सो, मैं सोची पापा जी जा रहे हैं लेन उसने, मंदिर में जाऊंगी भाई, दादा दादी लेन जाया करे, बालका नड़ छोड़न भी तो पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मैं आपने कुछ चाय पानी लिया है? नहीं लिया, चाय पी ली। फली यार आ गया, आ गया, आ गया, भागो भागो भागो। नहीं ये देखो भाई जाता कैसे और आता कैसे ले। पापा से तो मिल ले जाते हैं तो लगा के जान बेटा, आते हैं तो लगा ले लगा ले। अरे पंडित जी आ गए क्या? अरे राम राम पंडित जी। तो भाई हमने नेवी तय बता रखी है, आते के साथ सैंडल उतारो और हाथ धो, हाथ धोने के बाद अंदर आओ, अंदर आने के बाद क्या करना है, बैग उतारो। आपका है बेटा ये लग रहा है ना? अरे वाह क्या खाओगे आप? मैं कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो सब खा लोगे। अरे मेरा लड्डू बेटा। गाइस देखो आज इसने ये वाला पहना है, ये देखो गोवा से लेके आए थे इसके पापा, तो मेरा ये बहुत प्यारा बेटा है। ये सुबह जाता जो मेरा थोड़ा सा मन दुखी पाता है कि भाई रो के जा रहा है, बट आज ये कम रोया तो हो जाएगी आदत, भाई बच्चा है। अभी इसको खाने पीने का टाइम हो गया है। तो गाइस दोपहर के 2 बज रहे हैं और रियान सो रहा है, नेवी फ़ोन देखे, नेवी ने भी सुवाओ मैं भी सोऊं। अभी उठे हैं सभी, लग गए हैं अपने काम पर, सारी दुनिया नहाती है सुबह 9 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक भी नहाते हैं, 12 बजे तक भी नहाते हैं, और मेरे पति देव जी नहाए हैं 4:30 बजे, तो अभी नहा के निकले।
शाम के सोचे हैं और भाई आपकी ब्लॉगर जो है बहुत ज्यादा ठीक है। ये बर्तन मतलब धोए हैं कि गिरे आए हो? दो पैर चोरी है, दो पैर चोरी शाम की चाय यार। इतना केक खाओ है, मेरी माँ का तो आज बर्त है। मैं क्यों खाऊं, के लिए खाऊं? आप खाओ, मतलब तू खाओ यार, सब जगह यार हमारे घर में यार। देखियो भाई, मैं तो एक गिलास में लस्सी डाली होगी, एक थाली में अपने रोटी डाल ली होगी, बैठ हो गया अपना। ठीक बता हैं? भाई मन देना बेटा, क्यों ना बेटा तने? एक काम वाली रख लो, बेटा कर दो। कितनी अच्छी लाइफ तो रखी है, कितनी क्यूट सी। मैं अभी बस ये सोच के बैठी हूँ कि मैं रियांश और नेवी के लिए क्या बनाऊँ हेल्दी सा जो खा ले, क्योंकि नेवी तो थोड़ा बहुत खा लेता है, रियांश बिल्कुल भी नहीं खाता। चाहे मैं ओट्स बना लूँ, चाहे दलिया बना ले, चाहे खिचड़ी बना ले, कुछ भी बना ले, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वो खाता नहीं है। नहीं तो पहले से ही खा लेता था, पर बच्चों को पता नहीं चलता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता है। तो इसको भी दो तीन दिन फीवर चढ़ा, मुँह में फाले हुए, तो अब इसने दूध भी मतलब बंद कर दिया। भूखा रहता है, खेलता रहता है, पर वो कुछ खाता नहीं है। तो भाई अगर आप लोगों को नॉलेज हो, क्योंकि भाई बड़े बच्चे भी होंगे जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो बच्चों को ऐसा क्या खिलाऊं जो उनको अच्छा भी लगे, हेल्दी भी हो, क्योंकि फ्रूट भी नहीं खाता वो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई मैं उसको क्या ऐसा क्या खिलाऊं। तो भी बस इसी उसमें थी कि मैं ओट्स बनाऊं उसके लिए, या भाई और कुछ बनाऊं। मैगी, हाँ मैगी बनाती तो मैगी खा लेता है, तो ये कन्फ्यूज़न मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़े काम कर दे, नमकीन ओट्स बना दे। नमकीन ओट्स नहीं खाएगा वो, खा लेगा वो। क्या क्या डालू उसमें? कुछ नहीं डालना, तो बस नमक का उसका घी में छूट से मार दे, क्योंकि प्याज व्याज तो डालनी है नहीं। टमाटर कुछ भी मत डाल, टमाटर वमाटर कुछ भी मत डाल। तो वैसे राई राई, हाँ राई का छूट बना के, और बढ़िया सा बना दे उसको, बस नमक। आप बना दो यार, चलो आज आज लोग देखेंगे, मैं कैप्चर करूंगी। मैं कुछ फोन में इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, प्लीज 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 समझा। मम्मी उन्हें लेकर आई थी, कित गई मंदिर में दोबारा? क्यों? दूसरे वाले मंदिर में, गांव वाले। क्यों? नेवी ने कहा होगा कि मैं त्रिशूल दिखा के लाया, वो कल मेरे साथ गया था ना, उसने त्रिशूल दिखा था, वो है वो बाला। माँ जी मैंने त्रिशूल दिखा के लाया। लो भाई देख, जो नेवी ने कह दिया वो तो उसकी माँ जी करेगी, 120% करेगी। फिर उसके लिए माँ जी को जाना पड़े 100 किलोमीटर पैदल। ये देखो हमारे घर पे भूत आया। सो गाइस 9 बज गए हैं और भाई खाना पीना हमने खा लिया था, खाने पीने के बर्तन वर्तन थे वो साफ हो गए हैं, और अभी जो पेंडिंग में काम है वो मैं बता देती हूँ। हमारा दूध पीना बाकी है, क्योंकि दूध का भी काम बहुत हो जाता है, दूध के बर्तन वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो दूध पी के अभी हम सोने की तैयारी में है। कुछ देर में फ़ोन देखूँगी, उसके बाद हम सोएंगे। तो भई बस अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का इतना प्यार देख के, इतना सपोर्ट देख के। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, 3.5 महीने पहले जो रीच थी, आज भी एज इट इज़ वही रीच आ रही है हमारे व्लॉग्स पे। तो थैंक यू सो मच गाइज कि आप हमारे व्लॉग्स का इतना वेट करते हो, क्योंकि व्लॉग्स को लेके ही मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और DM आ रहे थे। तो अच्छा लगा ये जानकर कि भई देखने वाले भी देखते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ आप सभी के, कि मुझे जो आप लोग इतना प्यार करते हो, तो भई टच वुड मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ जानकर। तो भई ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग करने की, हर एक चीज़ दिखाने की। देखो कुछ अलग तो होता नहीं है, डेली जो भी मैं अपना काम करती हूँ, जो भी मेरे घर वालों से बातचीत रहती है, जो मेरे बच्चे करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, वही सभी चीज़ें मैं कुछ टाइम में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई बस यही चीज़ें हैं अपना जो डेली रहता है, कोई बनावटी नहीं है कुछ भी, नॉर्मली है जैसे मैं घर पे रहती हूँ, जैसे हम घर पे हमारा जो रहन सहन है, वही सब चीज़ें हम आप लोगों को दिखाते हैं, और वो चीज़ें आपको पसंद आती हैं, तो भाई इसके लिए दिल से धन्यवाद।
तो बस अभी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो भाई उन सब चीज़ों के लिए भी तैयारी करनी है। तो बस फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट एवरीवन और लव यू ऑल। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।